78 सीटों पर लड़ रहे हैं असली शिवसेना? देखिए, जैसे मैंने कहा था कि पहले हमारे पास 38 विधायक थे और उसके जगह पे लगभग 80 सीट पे हम लड़ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि उद्धव जी का नुकसान हुआ है, 124 सीट पे पहले वो बीजेपी के साथ लड़ते थे, आज तो उनको 85 सीट मिला रहा है, भारी नुकसान तो उनका हुआ है। आपसे तो ज्यादा पर लड़ेंगे ना भाई, ये मैन टू मैन फाइट है ना ये तो शिवसेना की, तो उद्धव ठाकरे वर्सेज एकनाथ शिंदे, ये तय होना है असली शिवसेना किसकी, तो वो 100 पर भी लड़ेंगे और आप 78 पर लड़ेंगे तो भी कम पर लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा स्ट्राइक रेट उद्धव ठाकरे से 5% ज्यादा है। हाँ। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा था, सुरेंद्र राजपूत जी ने बहुत उद्धव जी के पार्टी का उन्होंने तारीफ किया, लेकिन उद्धव जी के पार्टी ने उनके बारे में क्या कहा हरियाणा के लॉस के बाद? उन्होंने अगर किसी ने सबसे ज्यादा मजाक कांग्रेस की उड़ाई है तो उन्होंने संजय राउत ने उड़ाई है और सामना ने उड़ाई है, और उसके बाद अभी भी जो संजय राउत बोल रहे हैं कि भाई नाना पटोले क्या हम मूवी नहीं देखेंगे, के साथ डिलीबरेशन भी नहीं करेंगे उनके साथ नेगोशिएशन, बड़ा कमाल है यार। ये बताइए ना, ये तो बताइए आपका सीट शेयरिंग फॉर्मूला क्यों उलझा है, ये बताइए। हमारा बिल्कुल नहीं है, हमारा बिल्कुल सीट शेयरिंग उलझा नहीं है। पहले लिस्ट में जो अजीत दादा पवार ने लगभग 38 सीट्स डिक्लेयर किए, बीजेपी ने 99 डिक्लेयर किए और हमने 45 डिक्लेयर किए, तो हमारा ऑलमोस्ट 70% सीट्स तो हमने डिक्लेयर भी कर दिया पब्लिक। कितने पे कौन लड़ेगा ये तो नहीं पता अभी भाई, इनके यहाँ 255 पे फाइनलाइज हो गया, 85 85 85, 18 छोटे दलों को हो गया, 17 पर पेच फंसा है, बिल्कुल क्लियर महाविकास अगाड़ी का ये मिस्ट्री, एब्सोल्युटली क्लियर। आपके यहाँ 182 के बाद कौन किस पर लड़ेगा? सुनिए, इनका 255 पे फाइनलाइज सिर्फ आंकड़े हुए हैं। हाँ। इनका कैंडिडेट का फाइनलाइज हुए, आपका तो आंकड़ा भी क्लियर नहीं है, डिक्लेयर किए खाली नहीं, हमने तो ऑलमोस्ट 20% हमारे कैंडिडेट डिक्लेयर किए, आंकड़ा कितना भी है जो बची है वो सीटें 182 के बाद, 182 के बाद कितने पर शिवसेना, कितने पर एनसीपी और कितने पर बीजेपी? नहीं नहीं, लगभग 150 तक बीजेपी, 78 पे शिवसेना और 55 पे अजीत पवार, एक या दो सीट इधर उधर, हमारा तो फाइनलाइज है, इनका फाइनलाइज नहीं है। इनका अभी भी 33 सीट पर, तो इनको पता नहीं है कि कौन लड़ रहे हैं, और दूसरी बात तो इन्होंने अभी तक फाइनलाइज अपना कैंडिडेट्स का लिस्ट भी फाइनलाइज नहीं किया, हमने तो 70% हमारे कैंडिडेट्स डिक्लेयर कर दिए। अच्छा, लेकिन कृष्णा बस लास्ट आखिरी सवाल ये कि जो 5 आपकी सीटें थी और बीजेपी ने उतार दिए उन पर अपने उम्मीदवार, ये तो राजनीतिक जमीन खींचने की भी कोशिश हुई ना शिवसेना की भाई, धुले देवली अचलपुर नाला सुपारा उरण तो सारी आपकी सीटें हैं। ऐसा है कि जो एक्सेप्टेबल कैंडिडेट है और विनेबल कैंडिडेट है वो बीजेपी से हो या शिवसेना से हो या फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस से हो, हम एक्सचेंज करके ले लेंगे, वो आखिर में हमारे सिंबल पे तो लड़ रहा है, तो हमारे ही पार्टी से लड़ रहा है। ठीक, तो मिस्ट्री जो है हिस्ट्री, ये हिस्ट्री